अपने डेस्कटॉप के ऊपर, या अगर आपके पास लैपटॉप है तो उसके ऊपर हम स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है, आपने अपने कीबोर्ड के जरिए विंडो और प्रिंट स्क्रीन का बटन होता है कीबोर्ड के ऊपर, उसको आपने प्रेस करना है। विंडो को प्रेस करके रखना है और उसके बाद स्क्रीनशॉट को आपने प्रेस करना है, ठीक है। इसको जब हम प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद आपने आ जाना है यहाँ पर अपने पेंट के अंदर, ठीक है। पेंट में आने के बाद यहाँ पर आप कंट्रोल वी कर देंगे, उसको पेस्ट कर देंगे। ये आपका जो स्क्रीन है ये पेंट के अंदर आ चुकी है, पूरा स्क्रीनशॉट आपका पेंट के अंदर आ चुका है, ठीक है। यहाँ से अगर आपने किसी चीज़ को कट करना है तो वहाँ से इसको आप कट कर सकते हैं, ठीक है। इसी के कंट्रोल सेलेक्ट करें एरिया जो आपने कट करना है, उसको कंट्रोल एक्स करें, कंट्रोल एन करें, कंट्रोल एन के बाद इसको डोनट सेव कर दें, कंट्रोल वी करें, ये कंट्रोल वी हमने किया, तो इसके बाद यहाँ पर इसको आप सेव कर सकते हैं, इसको आप इसके बराबर कर लें, ये यहाँ से हम कर लेते हैं, ठीक है। और दाईं तरफ से हम इस तरफ से कर लेते हैं, ये देखें ये हमारा स्क्रीनशॉट इस तरीके से हम ले सकते हैं। इसके बाद अगर दोस्तों ये अगर आपके पास, इसको आप सेव करेंगे ऐसे, देखें सेव का बटन प्रेस करेंगे और डेस्कटॉप के ऊपर आपने रखना है, उसका नाम दें और उसको ओपन कर दें, ठीक है। इसका नाम हम कुछ और दे देते हैं, इसको सेव कर दें, ओके दोस्तों। अगर आपके कंप्यूटर पे आपका जो लैपटॉप है, ठीक है, उसमें विंडो और प्रिंट स्क्रीन की ऑप्शन काम नहीं कर रही, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने करना है काम विंडो शिफ्ट और एस को प्रेस करने। ये देखें विंडो शिफ्ट और एस को प्रेस किया हमने, तो यहाँ से आप कोई भी कैप्चर ले सकते हैं, ठीक है। ये इस पे आएंगे तो ये फुल स्क्रीन का कैप्चर लेगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा कि विंडो को जिस हिस्से को आप क्लिक करेंगे उसका करेगा, ये रैंडमली जैसे आप माउस को मूव करेंगे उस तरीके से इसका ये स्क्रीनशॉट लेगा। और ये वाला जो होता है इसमें होता है कि आप सेलेक्ट करेंगे कि आप किस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। हमने इसको क्लिक किया और यहाँ पर आकर हम कहते हैं कि हमें इतना स्क्रीनशॉट चाहिए, ये हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम कहाँ पर आएंगे, पेंट के अंदर, यहाँ पर हम पेंट में आ जाते हैं। पेंट में आने के बाद यहाँ पर हम कंट्रोल वी कर देंगे, ये हमने इसका स्क्रीनशॉट लिया था, ओके। यहाँ से इसको हम ऐसे कर देंगे और यहाँ पर इसको हम सेव कर देंगे, सेव हमने ये इसका नाम रख दिया, ठीक है। और यहाँ से इसको हम सेव कर देंगे, ठीक है दोस्तों। ये तरीकाकार था आप अपने डेस्कटॉप के ऊपर या लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर किस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों इसमें प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं अगर आपको समझ नहीं लगी, ओके। तो दोस्तों डेस्कटॉप और लैपटॉप के ऊपर स्क्रीनशॉट लेने का एक दूसरा तरीकाकार ये है कि आपने यहाँ पे इधर आ जाना है सर्च में, तो यहाँ पर आपने सर्च करना है स्निपिंग, SNIPPING, ठीक है। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो में बिल्ट इन फंक्शन होता है इसका, पहले से ये प्रोग्राम इंस्टॉल होता है, ये बाद में आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसको आपने क्लिक करके ओपन कर लेना है, ठीक है। इसको जब आप ओपन कर लेंगे तो ओपन करने के बाद यहाँ पर देखें ये मोड लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आपने क्लिक करना है तो यहाँ से आप फुल स्क्रीन लेना चाहते हैं, जो भी आप इसमें ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे तो वो आपका स्क्रीनशॉट ले लेगा, ठीक है। तो मैं फुल स्क्रीन करता हूँ, आप दूसरों को इस्तेमाल करके देख लीजिएगा। फुल स्क्रीन करता हूँ, यहाँ से ये फुल स्क्रीन हमारा ये स्क्रीनशॉट ले लिया है उसने, ऑटोमेटिकली इसका स्क्रीनशॉट उसने ले लिया है, ठीक है, हमारे इस सॉफ्टवेयर ने। तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर आप इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आकर हम सेव करना चाहते हैं डेस्कटॉप में, ठीक है। ये जो ऑटोमेटिक सेव होता है वो दिस पीसी, ठीक है, आपका जो माई कंप्यूटर होता है उसको ओपन करना है और पिक्चर के अंदर मौजूद होगा। तो हम डेस्कटॉप पे करना चाहते हैं तो हमने डेस्कटॉप पर क्लिक किया और यहाँ पर इसका कोई भी नाम देकर इसको हम सेव कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो याद रहे कि आपके पास कौन सा सॉफ्टवेयर होगा, स्निपिंग टूल्स ये वाला सॉफ्टवेयर का, इसको आपने ओपन करना है, स्क्रीनशॉट लेना है और उसके बाद उसको कहीं भी सेव कर सकते हैं। तो ये इसका दूसरा मेथड था कि आप किस तरीके से डेस्कटॉप या लैपटॉप के ऊपर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।